नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 8 के हवेली एग्ज़ाम में आने वाले कुछ दो पार्ट ही है, उसमें से एक पार्ट का विश्लेषण करेंगे। पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है भारतीय संगीत की एक झलक। नाम सुन के थोड़ा बहुत मज़ा लग रहा है क्योंकि संगीत के बारे में है जो सुनने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो पाठ को शुरू करते हैं। दोपहर का समय था, स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को हुई, जो अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा संगीत सुन रहे हो, ठीक है। तो दोपहर का समय है, स्नेहा अपने कमरे में, स्नेहा एक लड़की का नाम है जो अपने कमरे में अपनी सहेली के स्नेहली नेहा के साथ बैठकर गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। इसी बीच उन दोनों को एक बहुत अच्छा गाना सुनने को मिला, जो गाना उनके लिए बहुत परिचित था, जो गाना उन्होंने बहुत सुना है, ऐसा एक गाना उनको सुनने में आया। गाना क्या है? दिल हुम हुम करे घबराए, घन घम घम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मेरी अखियों से ना बरसाए। ये गाना है, ठीक है। इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। इस गीत की धुन सुनकर ही, उसका सुर सुनकर, उसका टोनिंग सुनकर उनको बहुत खुशी महसूस हुआ। नेहा तपाक से बोल उठी, नेहा छट से बोल उठी, स्नेहा क्या तुम जानती हो ये गाना किसका है? नेहा ने टपाक से उठ के क्वेश्चन पूछा, स्नेहा क्या जानते हो ये गाना किसका है, किसने लिखा है, किसने गाया है ये सब? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हजारिका जी का एक अन्यतम गीत है, ठीक है। ये हमारे असम के गर्व के विषय की बात है कि वो भारतीय संगीतकार है, ठीक है। हमारे असम के रहने वाले भूपेन हजारिका जी जो भारतीय संगीतकार है, गीतकार है, वो संगीत भी देते थे, गीत भी लिखते थे, गायक भी थे, वो खुद गाते थे, और वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता भी है। भूपेन हजारिका जी है, उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने गीत में सुर देकर सिर्फ असमिया में नहीं, बांग्ला, हिंदी, इन सब में भी एक अलग सा नाम अर्जन किया है, सुनाम अर्जन किया है, अलग सा पहचान बनाया है उन्होंने। वे भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार, वो भारत के संगीत की दुनिया के मशहूर कलाकार जो गाना गाते हैं, ऐसे अगर कलाकार का नाम आता है तो सबसे पहले नाम जिनका आता है लता मंगेशकर हैं, ठीक है। तो संगीत की सरस्वती जिसको कहा जाता है, जिनको उपाधि मिला गया है, तो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी आदि की तरह एक आदरणीय कलाकार है। उनको भी असम में उनकी तुलना में गिनती की जाता है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इनके तुलना में उनकी आदर किया जाता है। नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी जरूर जानती होगी। नेहा फिर बोल उठी कि तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी बहुत कुछ जानते होगे। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ। स्नेहा ने कहा, हाँ थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है, और मैंने शास्त्रीय संगीत जो अपने क्षेत्रों में, अपने एरिया के में, जैसे भारत देश में जो संगीत है उसकी शिक्षा लिया है उन्होंने। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? क्या तुम भारतीय संगीत, मानो भारत में प्रचलित कितने संगीत है, सबके बारे में नहीं जानते हो? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है, लेकिन गाना सुनना हम लोगों को बहुत पसंद होता है, गाने को गुनगुनाते हैं हम लोग, कोई भी गाना हम लोग को अच्छा लगता है तो गुनगुनाते हैं, ये हम लोग को बहुत पसंद है। उसने भी सेम उत्तर दिया। बताओ ना स्नेहा, इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? तो अभी भारत के संगीत की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, ये एक क्वेश्चन है। तो सुनो, तो आप लोग भी जान के रखो कि संगीत की शुरुआत कैसे हुई थी, ये आप लोगों के भी जरूरी, आप लोगों को लिए भी जरूरी है। तो सुनो, कलाओं में संगीत एक अन्यतम प्राचीन कला है। कलाओं में जितने सारे कलाएं हैं,
जैसे आप लोग ड्राइंग सोच लो, मूर्ति के कलाकारी सोच लो, इन सब में अन्यतम प्राचीन कला है। इस कला का विवेचन आचार्य भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है और इस कला का जितने भी विश्लेषण है ये आचार्य भारत मुनि नाम के एक नाट्यशास्त्र उनकी एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे इसके बारे में जानकारी मिलता है। इस कला का आधार ध्वनि है। ध्वनि मतलब ये जो आवाज़ हम लोग के मुँह से निकल रहा है, इस कला का आधार ही है ध्वनि। आचार्य सारंगदेव एक संगीत प्रेमी थे, एक क्या बोलते हैं उसको, संगीत के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, उस्ताद सोच लो। ऐसे आचार्य सारंगदेव के अनुसार गीत वाद्य तथा नृत्य त्रयंग संगीतम उच्छते, यह संस्कृत के कुछ वर्ड्स इधर में रखा हुआ है, त्रयंग संगीतम उच्छते अर्थात गीत वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि गीत वाद्य मतलब जो म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों के पीछे गाने के समय जो बजता है, और नृत्य और डांस, इन तीनों चीज़ों को एक साथ संगीत कहा जाता है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग मिलकर संगीत शब्द बना है। गीत शब्द के साथ सम उपसर्ग पहले लगाकर उसको संगीत नामकरण हुआ है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर संगीत ही पहले स्थान में आता है। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से स्वर संगीत के पहले स्थान में आता है। स्वर अगर ना हो तो तुम संगीत नहीं हो कर सकते, मतलब संगीतकार नहीं बन सकते। तो स्वर संगीत के पहले स्थान में आता है, बाद में वाद्यों और नृत्यों का स्थान आता है, और उसके बाद आता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और डांस का स्थान। संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बजाय गाना गाए तो उसका गाना सुनने में हम लोग इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन पीछे अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है तो उसका गाना सुनने में हम लोग को और भी थोड़ा दिलचस्पी प्राप्त होता है, तो मज़ा लगता है। तो इधर में बोला है संगीत में वाद्यों का स्थान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाद्य ही गीत के सुर राग और लय को मधुर बनाता है। क्योंकि वाद्यों के गीत जो गाना गा रहा है उसका सुर जो आवाज़ उसका निकलेगा, लय जो कोऑर्डिनेशन है गाने का, जो सिम्टम्स है, जो टोनिंग है, उसको मधुर बनाता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा बनाता है। वाद्यों के बिना संगीत और नृत्य अधूरे है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बिना, वाद्य मतलब होता है जिसको बजाते हैं, कोई भी चीज़ को बजाते हैं, उसके बिना नृत्य और संगीत दोनों अधूरा है। साधारणतः संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है संगीत में? तबला, हारमोनियम, सितार, सारंगी, मृदंग, खोल, पखवाज, वायोलिन, तानपुरा, बीना और बंसी आदि वाद्यों का व्यवहार होता है। संगीत में ज़्यादातर इन सब वाद्य यंत्र का व्यवहार होता है। वैदिक युग में आज से 1500 साल पहले की बात, ये जब वैदिक युग चल रहा था, जब वेदों से चिकित्सा विकित्सा करवाया जाता था, तब के युग में, पुराने जमाने में ही इसका श्री गणेश हुआ था। वैदिक युग में इसका श्री गणेश हुआ था, उसका आरंभ हुआ था। श्री गणेश होना मतलब आरंभ होना। लेकिन 14वीं सदियों में इसका परिवर्तन होने लगा। इसका चेंजिंग शुरू हो गया। मूलतः उत्तर भारत में मुगल शासन के दौरान भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुई है। मूलतः कारण उत्तर भारत में, भारत के उत्तर दिशा में मुगल शासन जब थे तब भारतीय संगीत कला में बहुत परिवर्तन हुए, तभी संगीत में बहुत सारे चेंजिंग हुए, क्योंकि मुगल बादशाह संगीत एवं राग को ज़्यादा महत्व देते थे। और मुगल भाषा क्या कहते हैं, संगीत एवं राग को, राग का मतलब जो संगीत करते हैं वो ज़्यादातर बता सकते हैं, राग का मतलब होता है जिसमें सुनने के बाद थोड़ा ठहराव होता है, थोड़ा जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे चीज़ ज़्यादा महत्व देते हैं। उदाहरण स्वरूप अकबर के समय संगीत का तानसेन के संगीत की धारा को अलग बनाया, और अकबर के समय में जो उनका दरबार के संगीतकार थे तानसेन, जिनका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, तानसेन जिसके संगीत से बारिश होता था, ऐसे कहावत है, ठीक है, संगीत की धारा को अलग बनाया उन्होंने, संगीत के ट्रेंड्स को थोड़ा चेंजिंग कर दिया, थोड़ा अलग बनाया। बाद में भारतीय संगीत पर ईरान, फ
फारस, अरब आदि देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। बाद में इस संगीत में ईरान, फारसी, अरबी इन सब के देशों के संगीत का भी प्रभाव पड़ा। इन सब का टोनिंग भी हम लोगों ने लिया। इस तरह भारतीय संगीत का विकास हुआ। नेहा ने स्नेहा की बात को आगे बढ़ाने के लिए फिर पूछा, भारतीय संगीत की कितने धाराएं हैं और ये क्या क्या है, इसके विकास कैसे हुआ? तो नेहा ने फिर स्नेहा से पूछा कि भारतीय संगीत की कितने धाराएं, कितने भाग हैं, ठीक है, और इसका विकास कैसे हुआ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो स्नेहा ने बोला कि हाँ, ये प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया। भारतीय संगीत की दो प्रचलित धाराएं, इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना क्योंकि तुम लोग का क्वेश्चन भी है। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा। पहला संगीत की धारा कौन सा है? हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा। दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। असम किस किस जगह में इसका प्रचलन है? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत की धारा प्रचलन है। जहाँ पर ज़्यादातर संगीत जो मिलते हैं वो हिंदी में बोले जाते हैं, हिंदी में सुनाए जाते हैं, हिंदी में गाए जाते हैं। और दूसरी ओर तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित संगीत की धारा को कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र में चलने वाले संगीत को दक्षिण भारतीय संगीत कहा जाता है। और उधर में इस संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता, इनके संगीत के स्वर का उच्चारण, जो वॉइस है उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके ज़्यादातर गीत की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। और उस संगीत के, दक्षिण भारतीय संगीत के ज़्यादातर भाषाएं क्या होता है? तमिल, तेलुगु और मलयालम है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी संगीत के गीतों की ज़्यादातर भाषाएं ब्रज हिंदी और उर्दू आदि है। और हम लोग इधर में जो संगीत चलता है, जैसे हम लोग असम में रहते हैं तो असम के बारे में बात करें, असम में जो संगीत चलाया जाता है उसमें ब्रज हिंदी, उर्दू के कुछ शब्द और नॉर्मल हिंदी ऐसा रहता है, खरीवली हिंदी। इस संगीत के धारा को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित श्री कृष्ण नारायण रतन झनकार, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खान, पंडित यशराज तबला वादक, पंडित समता प्रसाद सौरत वादक अली अकबर खां, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शहनाय वादक, उस्ताद बिस्मिल्ला खां जिनका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादक पंडित रविशंकर आदि महान लोगों ने आगे बढ़ाया। जिस संगीत को इन सभी महान लोगों ने आगे बढ़ाया, नेहा ने बीच में बोल उठी, स्नेहा क्या हमारे असम का ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसका हिंदुस्तानी संगीत में योगदान हो? तो नेहा ने अचानक स्नेहा से क्वेश्चन पूछा कि हमारे असम में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो हिंदुस्तानी संगीत में योगदान दिया हो, जिसका नाम हिंदुस्तानी संगीत के योगदानों में है? स्नेहा ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, हमारे असम के चारू बरदलय, परवीन सुल्ताना, पवन बरदलय, दिलीप रंजन बर ठाकुर, हिरण शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद चेतिया आदि महान कलाकारों के योगदान से असम में भी इस धारा के संगीत का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ है। इन लोगों के कारण ही हमारे असम में भी इस संगीत का व्यापक, माने बहुत जोरों शोरों से इसका प्रचार और प्रसार हुआ है, इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है। हमारे असम में संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर कई विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं, ठीक है। हमारे असम में भी संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पे बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय भी खोले गए हैं, जिसके द्वारा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिलती है। साथ ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय मंडल के द्वारा भी यह शिक्षा दी जाती है। और साथ में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गंधर्व महाविद्यालय में भी
संगीत की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ कर्नाटकी संगीत धारा का उतना प्रचलन नहीं है। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देते हैं और हमारे इधर में कर्नाटकी संगीत सीखने का प्रचलन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसका जो भाषाएँ है वो हम लोग सीखने से प्राप्त होता है, वो भाषाएँ सीखना अच्छा होता है, लेकिन वो भाषा हम लोग आता नहीं है, इसलिए इसका प्रचलन हम लोग के इधर में कम है। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में, क्योंकि उनका मदर टंग है, शायद सोच लो कि कर्नाटक के लोगों का मदर टंग कर्नाटकी है, हैं, तो ऐसा है। इसका प्रभाव दक्षिण भारत में ज़्यादातर दिखाई देता है। भारतीय संगीतज्ञ एवं दक्षिण भारतीय संगीत धारा की प्रधान नेत्री, भारतीय संगीतज्ञ और दक्षिण भारतीय संगीत धारा की, संगीत की जो धारा है उसकी प्रधान नेत्री, जिन्होंने उसका मतलब शुरुआत किया था, नेत्री भारत रत्न, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है M.S. शिवलक्ष्मी जी ने इस धारा को आगे बढ़ाया है। इन्होंने ही इस संगीत की धारा को आगे बढ़ाया था। नेहा ने फिर पूछा, स्नेहा क्या तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानती हो? नेहा ने फिर क्वेश्चन पूछा स्नेहा से कि तुम शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य, जो क्षेत्र के जो आंचलिक नृत्य है उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है, क्षेत्र के जो नृत्य है? स्नेहा ने कहा, नहीं इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में उसको इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे भैया, उसका भाई रोहन कत्थक का एक अच्छा नर्तक है। रोहन कत्थक एक डांस का नाम है जिसका, वो अच्छा नृत्य करता है, जो कत्थक डांस वो अच्छी तरह से करता है। चलो हम उनसे नृत्य के बारे में भी जान ले। तो उसके बाद वो भैया के पास चले गए और उसको नृत्य के बारे में जानने की कोशिश की। वे दोनों से कहने लगे दोनों रोहन के पास चली गई। वो दोनों रोहन से कहने लगे, कत्थक के अलावा भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और क्षत्रिया आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। ये जितने भी नृत्य के नाम हैं ये सभी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम, मणिपुरी डांस हम लोगों ने सुना है, मणिपुर के लोग जो डांस करते हैं भरतनाट्यम, हमारे चारों तरफ ज़्यादातर बच्चे ये सब सीखते हैं, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी का डांस, मोहिनीअट्टम, इधर में डांस के फोटोज़ कुछ लगे हुए हैं, इसको देख के आप लोग समझ जाना। जिस तरह कथक को शंभू महाराज और बिरजू महाराज जैसे लोगों ने इतना लोकप्रिय बनाया, उसी तरह भरतनाट्यम को भी लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। उसी तरह जैसे कथक नृत्य को किसने इतना लोकप्रिय बनाया है, अगर नाम पूछा जाए तो इधर में है शंभू महाराज और बिरजू महाराज के द्वारा। आजकल जो बच्चे कथक नृत्य सीखते हैं उनको जानना जरूरी है कि कथक नृत्य का शुरुआत किसने किया था। उनका नाम है शंभू महाराज और बिरजू महाराज, जिन्होंने कथक नृत्य को इतना लोकप्रिय बनाया है और भरतनाट्यम जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए है। लोकप्रिय बनाने में रुक्मिणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत मेहनत किया इस नृत्य के प्रचार प्रसार में। ओडिसी उड़ीसा का प्राचीन नृत्य नहीं बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का भी एक अन्यतम अंग है। ओडिसी सिर्फ उड़ीसा का प्राचीन नृत्य नहीं है, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक अन्यतम अंग है, एक पार्ट है। इसका नाम रोशन करने में केलुचरण महापात्र की बहुत बड़ी देन है। ये इस नृत्य का नाम रोशन जिन्होंने किया है उनमें केलुचरण महापात्र का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिसी की भांति केरल की कथकली, केरल का जो डांस है कथकली, जिसमें बहुत सारे इधर में फोटोज में अगर देखोगे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे दाढ़ी वाड़ी बना के दाढ़ी की तरह कुछ लगाते हैं इधर में गालों में, मुँह को स्प्लिट करते हैं वो लोग, देखने में मज़ेदार लगता है। ये केरल की डांस है कथकली, भी आज एक अन्यतम शास्त्रीय नृत्य है, आज एक बहुत एक नामचीन शास्त्रीय नृत्य है। ये गुरु शंकरन नंबुद्रीपाद जी
ने इसको लोकप्रिय बनाया है और इस कथकली नृत्य को गुरु शंकरन नम्बूद्रीपाद जी उनका सरनेम है, इसको लोकप्रिय बनाया है। ठीक उसी तरह मणिपुरी मोहिनीअट्टम और कुचिपुरी नृत्यों का भी शास्त्रीय नृत्यों में एक अलग स्थान है। उसी तरह से मणिपुरी मोहिनीअट्टम और कुचिपुरी का भी शास्त्रीय नृत्यों में एक अलग स्थान है। जिस तरह मोहिनीअट्टम को शांताराव और भारती शिवाजी जैसे महान कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है, उसी तरह कुचिपुरी को राजा और राधा रेड्डी तथा मणिपुरी को लोकप्रिय बनाने में विपिन सिंह आदि कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई पूछे कि हम लोग के मणिपुरी नृत्य को किसने महान बनाया है, तो उसका आंसर आप लोगों को इधर में मिलेगा, विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के कलाकारों के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने इस मणिपुरी नृत्य को प्रचार प्रसार में। ऐसे बहुत सारे नृत्यों के प्रचार प्रसार में जिन लोगों ने योगदान दिया है उनके नाम इधर में हैं। स्नेहा और नेहा रोहन भैया को धन्यवाद कहकर कमरे में आ गई, और स्नेहा नेहा इतना सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद वो धन्यवाद कर कमरे से बाहर चली आई। नेहा कुछ और पूछना ही चाहती थी कि एकाएक स्नेहा बोल पड़ी। नेहा और कुछ क्वेश्चन पूछने वाली थी कि अचानक स्नेहा बोल पड़ी, हमारे असम में महापुरुष शंकरदेव द्वारा स्थापित शस्त्रों में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य को भी सन 2001 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्वीकृति मिली है। 2001 में शंकरदेव द्वारा संतरों में जो नृत्य होता है उसको भी शास्त्रीय नृत्य के स्वीकृति प्राप्त हुआ है। महापुरुष शंकरदेव के शास्त्रीय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। महापुरुष शंकरदेव के शास्त्रीय नृत्य जो है असम के ट्रेडिशनल नृत्य जो है, हैं? ऐसे नृत्य को सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी इसका बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार चल रहा है। नृत्यकार मणिराम बयान मुक्तियार, राकेश्वर सैकिया बरबायन और नृत्याचार्य यतिन गोस्वामी आदि महान कलाकारों के कारण ही हमारे शास्त्रीय नृत्य को आज पूरे विश्व में इतना बड़ा सम्मान मिला है। इन लोगों के कारण ही हमारे शास्त्रीय नृत्य को पूरे देश में बड़ा सम्मान मिल रहा है। स्नेहा ने उसकी बात को आगे बढ़ाकर पूछा, स्नेहा हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या नृत्य और गीत प्रचलित है? हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय संगीत के अलावा और क्या क्या गीत और नृत्य प्रचलित है? उसके प्रश्न का उत्तर देकर स्नेहा ने कहा, हमारे असम में बिहू गीत जो हम लोग सुनते हैं, ज्योति संगीत, विष्णु रावा गीत, ये उनके नाम हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीत, टैगोर जी के गीतों को क्या बोलते हैं उसको, कवि गुरु के गीत, विद्रोही कवि के गीत, नजरुल इस्लाम के गीतों को, ऐसे इनके नाम के ऊपर से ये गीत हुआ है। रविंद्र नृत्य, रविंद्र संगीत, उसी तरह से इनका नाम भी है, हैं? शास्त्रीय संगीत के अलावा ज्योति संगीत, विष्णु रावा गीत, बरगीत जो तुम लोगों के क्लास 9 में मिलेगा, एक चैप्टर है, लोकगीत हम लोग के असम के अंचल में जो गीत गाए जाते हैं, ज़्यादातर गांव शहरों में जो गीत गाए जाते हैं उनको लोकगीत कहते हैं, और रविंद्र संगीत जो अभी मैंने बोला आदि प्रचलित है। साथ ही बृह नृत्य, बागरुम्बा और झुमुर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है, और साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा एक नृत्य का फॉर्म है, झुमुर इधर में फोटोज में दिया हुआ है, आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है। ये सब हम लोग के लोक नृत्य है, इसमें धमाइल भी है, लोक नृत्य है। स्नेहा और नेहा दोनों के लिए चाय लेके आई। चाय पीते पीते नेहा ने स्नेहा की माँ से कहा, चाची आज मैं स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें जान गई हूँ। शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है। शास्त्रीय संगीत ना हो तो भारतीय संगीत ना के बराबर होता है। अतः मैं भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जरूर लूँगी और
अभी उसने प्रण कर लिया कि वो भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेगी। माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई, नेहा की माँ दोनों को शाबाशी देकर चली गई, दोनों खुशी से उछल पड़ी और नेहा अपने घर चली गई ये था आपका पाठ। इसको पढ़कर संगीत के विषय में, नृत्य के विषय में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगा। जहाँ पे कोई भी किसी जगह पे कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या मेरा फ़ोन नंबर है तो उसमें मैसेज करके बता देना। धन्यवाद।